हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इग्नू रिक्रूटमेंट 2023, इग्नू से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं जो परमानेंट पोस्ट हैं, और इसमें सैलरी रहेगी 57,700 की बेसिक पे प्लस अलाउंसेज, सभी मिला के 85,000 मिनिमम इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल रहेगी, बाकी सारी चीज़ें कहाँ, मतलब कितने पोस्ट हैं और क्या, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फी, ये सारी डिटेल आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल हम समझेंगे। इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, इग्नू हम सभी जानते हैं। इसमें जो पोस्ट है जिनके लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है, पोस्ट का नाम समझ लेते हैं पहले। एडवर्टीजमेंट फॉर एकेडमिक पोजिशन है जिसमें कि रीजनल डायरेक्टर है एंड असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है। तो ये जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है, ये पोस्ट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल डायरेक्टर में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इग्नू की वेबसाइट पर कई सारे आपको मल्टीपल वैकेंसीज नजर आते हैं। रीजनल डायरेक्टर लेवल 13 है, 1,31,000 की बेसिक पे, स्टार्टिंग बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 1,70,000-60,000 आराम से मंथली सैलरी होगी। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 8 पोस्ट है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट, SC के लिए 4 ST सीट, ST कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट, OBC कैंडिडेट्स के लिए 7 सीट्स हैं और EWS कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं। तो ये जो रीजनल डायरेक्टर वाली पोस्ट है, वो जिनके पास PhD है और एक्सपीरियंस है वो इसको चेक कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर वाली पोस्ट जो है उनमें बिना एक्सपीरियंस के भी एप्लीकेशन की जा सकती है। लेवल 10 57,700 की बेसिक पे प्लस अलाउंसेस अगर ऐड कर दिए जाए तो आपकी 85,000 रुपीज मंथली स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ 12 पोस्ट है। PWBD कैटेगरी में 1 सीट है, SC कैटेगरी में 4 सीट है, ST कैटेगरी में 3 सीट्स है, OBC में 9 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में 4 सीट्स हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, एज ऑफ रिटायरमेंट 62 इयर्स है, 62 इयर्स में रिटायरमेंट होगी। परमानेंट पोस्ट है। दीज पोजिशंस आर मेंट फॉर इग्नू रीजनल सेंटर्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ट्रांसफरेबल इन नेचर, देयरफॉर द पर्सन सो सेलेक्टेड वुड बी ट्रांसफर टू वेरियस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये बात समझ लेना जरूरी रहेगा कि जो जॉब लोकेशन रहेगी इग्नू के, जहां जहां भी रीजनल सेंटर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती रहेगी और ट्रांसफर होता रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के एप्लीकेशन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत पहले से शुरू हो गई है, 28 फरवरी 2023 से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 31 मार्च 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। चलिए बाकी की डिटेल चेक कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन दोनों के लिए अलग अलग PDF है, ये 9 पेजेस की PDF है। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स इन वेरियस रीजनल सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो मेन एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है, क्वालिफिकेशन के लिए अलग से PDF है। दोनों के कवर करेंगे, असिस्टेंट रीजनल की भी, और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो रीजनल डायरेक्टर की भी करेंगे कवर दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर तो है नहीं कि आपको हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ नहीं है। इन अ कंसर्न रेलिवेंट और एलाइड सब्जेक्ट जरूर लिखा है, बट इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टर की पोस्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और साथ में CSIR नेट, अगर आपने मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट किससे किया है तो आपके पास CSIR नेट होना चाहिए, UGC CSIR नेट, और अगर CSIR नेट नहीं है तो UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ कंडीशन में, जैसे सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है कि 55% मास्टर डिग्री में और साथ में UGC नेट या फिर CSIR नेट, कुछ केसेस में एग्जम्पशन भी मिलेगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 11 जुलाई 2009 के पहले PhD रजिस्टर कर ली है, अब उनकी PhD अवार्ड मिल चुकी है और वो PhD अवार्ड पॉइंट ABCDE में लिखे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो आपको नेट से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं होते हैं जिनमें आपने मास्टर डिग्री किया और उनमें नेट होते ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में मास्टर डिग्री भी है आपके पास 55% या अबव तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर डिग्री इन प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR।
तो ऐसा किसी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ तो ये आपको एडवांटेज मिलती है कि आपको नेट की जरूरत नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं ऐसे ही। और भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऐसे केसेस में आपको नेट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या है, दूसरा एक और ऐड हो गया कुछ दिनों से कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी डिग्री ली हुई है तो भी आप नेट से एग्जम्प्ट किए जाते हैं। तो ये है द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इन द रीजनल सेंटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट एंड सेलेक्शन बाई द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटीज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, कि मेरिट बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, तो सेम यहाँ पर भी वही सारी चीजें रखी गई हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर शो करें उसको, क्योंकि उसके पॉइंट्स मिलेंगे। जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है वो भी सेम रखा गया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए रखी गई है लगभग वही होंगे या थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो आपके पास जो भी डिग्री है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजी प्लस नेट रखा गया है, सेट यहाँ पर नहीं चलेगा। कोई भी सेट अगर आपके पास है तो वो इग्नू में नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास एमफिल है तो आप जरूर उसको शो करें और एंटर करें, फॉर्म फिल करते समय उसके पॉइंट्स वगैरह आपको मिलेंगे। पीएचडी है, नेट विद जेआरएफ है या फिर नेट है, पीयर रिव्यूड जर्नल में आपने पब्लिश किया हुआ है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, अवार्ड्स मिले हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपने कुछ किया हुआ है अचीवमेंट, तो वो सारे पॉइंट्स आपको, स्टेट लेवल पर अगर आपको कोई अवार्ड मिला तो सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सभी चीजें आप शो कर सकते हैं, कोई अवार्ड भी मिला हुआ है आपको तो वो सारी चीजें भी आप शो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब एक और पोस्ट रह जाती है डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर की। रीजनल डायरेक्टर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें पीएचडी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं शॉर्ट में हालांकि बता देती हूँ, जिनके पास पीएचडी, इसके लिए नेट की जरूरत नहीं होगी। जिनके पास पीएचडी है, 55% मिनिमम मास्टर्स डिग्री में ये है परसेंटेज स्कोर किया, मिनिमम 55% एंड 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ कुछ 75 रिसर्च स्कोर है आपकी, 75 यूजीसी पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन करके 7 पब्लिकेशंस मिनिमम हो गए और 75 जो है रिसर्च स्कोर है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये रहेगा, 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। एप्लीकेशन फी चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जैसे कि नो एप्लीकेशन फी फॉर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है फी में। एंड अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो 500 रुपीज फी रहेगी। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो फी अगर आप पे कर देते हैं तो वो रिफंड नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए एप्लीकेशन फी। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, कहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकती है, कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एज क्राइटेरिया, यहाँ पर मुझे एज कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो। मैं एज वहां सर्च भी कर रही हूँ, देखते हैं एज अगर कहीं पर, एज कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जैसे आप सर्च भी करेंगे, एज ऑफ रिटायरमेंट दी हुई है, एज ऑफ रिटायरमेंट असिस्टेंट इज, वो ठीक है, बट अगर आप पूछेंगे कि कितने एज तक के कैंडिडेट, तो यहाँ पर एज की कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है, क्वालिफिकेशन को बेसिकली रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन मीट हो रही है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसमें नॉट सिक्योर दिखा रहा है, बट मैंने विकीपीडिया से लिया। आप भी विकीपीडिया से ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचे, वो ऑथेंटिक रहती है मोस्टली। इसमें कहीं पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमें jobs@ignu, ये देखें आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं jobs@ignu, इस पर एक बार क्लिक करते हैं। जब आप इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, इसमें आपको कौन सा देखना है, जिसमें रीजनल डायरेक्टर एंड असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर लिखा है, और इनवाइट्स इग्नू इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल डायरेक्टर एंड असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। ये आप क्लिक करेंगे, यहीं पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल मिलेगी,
और यहीं पर आपको यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट मिलेगी, फिर अलग से क्वालिफिकेशन मिलेगी दोनों की, और फिर यहीं पर लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल डायरेक्टर एंड असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, ये दोनों लिंक्स भी आपको सेपरेटली मिलने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।